ये हमारी शहरियत का सबूत मांग रहे हैं, ये सबूत मांग रहे हैं कि तुम कितने हिंदुस्तानी हो हमें दिखाओ। तो इनसे कहो कोई ये जाके दिल्ली की आसमान को छूती हुई कुतुब मीनार की इमारत देख ले, वो इमारत किसने बनवाई थी? एक मुसलमान ने बनवाई थी। इनसे कहिए ताजमहल में जाकर वो जगमगाता हुआ संगमरमर से बना हुआ ताजमहल देख लें, वो ताजमहल जो आज भी अमन चैन और मोहब्बत का पैगाम देता है, वो ताजमहल किसने बनवाया था? एक मुसलमान ने बनवाया था। उनसे कहिए 1857 को याद करें, जब आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी उसमें मेरठ से लेकर दिल्ली तक जितने भी पेड़ थे उनसे किसकी लाशें लटकी थी? मुसलमानों की लाशें लटकी थी। उनको जाके बता दीजिए ये हमारा इतिहास, ये हमारी विरासत, ये हमारी शहरियत, हमारी ये शहरियत है। आप समझिए ये हमारी शहरियत वो है, हमारा इतिहास वो है, हमारी विरासत वो है जो एकता सिखाती है, साथ में लड़ना सिखाती है, हमारी शहरियत टुकड़े टुकड़े करना नहीं सिखाती है। ये है हमारी शहरियत। आपके औकात नहीं है कि आप उनसे हमारी शहरियत पूछें, आपके औकात नहीं है हमारी शहरियत पूछें। हमारा ताल्लुक हजरत मोहानी साहब से है, वो जो कि आजाद हिंदुस्तान में जो पहला केस जो ब्रिटिशर्स ने करा था वो उन पर करा था। हम उनसे ताल्लुक रखते हैं, हम मौलाना अबुल कलाम आजाद से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले तो देवास की जो हिम्मत है और जो जरूरत है जिसके साथ आप लोग अभी तक यहाँ पे बैठे हैं और जिसके साथ रोजाना यहाँ पर आकर बैठते हैं और बैठे रहते हैं रात में भी, उस हिम्मत और उस सलाम को मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। और आगे बात करेंगे इस लड़ाई के बारे में। तो ये जो लड़ाई है, ये एहतजाज, एक मूवमेंट, हम बार बार सुन रहे हैं अलग अलग जगहों से, एएमयू में बोला जा रहा है, जामिया में बोला जा रहा है, दिल्ली में बोला जा रहा है, मध्य प्रदेश में बोला जा रहा है, ये क्या एहतजाज है, ये जो मूवमेंट है, ये लड़ाई है, ये क्या चीज है? सबसे पहली बात तो ये कि ये एहतजाज सिर्फ सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ नहीं है। जब हम सीए के खिलाफ खड़े होते हैं तो हम ये देखते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में पिछले 70 सालों से मुसलमानों के साथ जुल्म तशद्दुद हुआ है। जुल्म तशद्दुद सिर्फ 2014 से शुरू नहीं हुआ और सिर्फ बीजेपी ने नहीं करा। ये जुल्म तशद्दुद जब हम पीछे देखते हैं तो हमें बाबरी मस्जिद दिखती है, हमें 2002 दिखता है, हमें 1992 दिखता है, हमें 1980 दिखता है, हमें मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़ और भोपाल के दंगे याद आते हैं, हमें गुजरात याद आता है, हमें बाबरी मस्जिद की शहादत याद आती है। तो ये जुल्म और तशद्दुद जो मुस्लिम कौम के साथ हिंदुस्तान में हुआ है, ये सिर्फ बीजेपी ने नहीं करा है बल्कि बहुत सारी पार्टियों ने, बहुत सारी सरकारों ने करा है, अलग अलग नीतियों के साथ, अलग अलग कानून लाके, बाकायदा तरतीबी से जानबूझकर हमें कुचला गया है, हमें रोंदा गया है, हमें इतना कुचला और इतना रोंद दिया गया है कि आज हम लोग सड़क पर बैठकर ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम हैं हिंदुस्तानी। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि इस वक्त ये जो लड़ाई है ये हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ कांग्रेस या कोई और पार्टी आपके साथ नहीं आने वाली, क्योंकि जो हमारी हालत है वो उस हालत का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। तो ये समझना पड़ेगा। और जब ये लड़ाई लड़ने के लिए हम सड़क पर आते हैं तो समझिए ये जो लड़ाई है ये शिनाख्त की लड़ाई है हमारी, ये हमारी पहचान की लड़ाई है। हम पे जो हमला हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो जब हम ये लड़ाई लड़ने आते हैं तो हम अपनी शिनाख्त और अपनी पहचान के साथ लड़ेंगे, हम नकाब लगाकर लड़ेंगे, हिजाब पहनकर लड़ेंगे। जब हम एहतजाज करेंगे तो मेरा मुस्लिम भाई टोपी और दाढ़ी के साथ एहतजाज करेगा, हम नमाज रखेंगे, हम रोजे रखेंगे, हम क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि हम अपनी पहचान और अपनी शहरियत, अपनी इज्जत और अपने वकार से पीछे हट जाए। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग जो हैं वो अपनी पहचान, अपने मजहब को पीछे नहीं छोड़कर आएंगे। इन पिछले 70 सालों में कहीं ना कहीं हम लोग डरते थे, हमें खौफ आता था, हम बार बार हमें प्रूव करना पड़ता था कि हाँ हम मुसलमान हैं, हाँ हम मुसलमान हैं। लेकिन अब इस एहतजाज में हम फख्र के साथ ये कहते हैं कि हम मुसलमान भी हैं, हम हिंदुस्तानी भी हैं, और ये बात हम आपको प्रूव नहीं करेंगे, हम डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे। आप सीए में हमसे क्या मांग रहे हैं? ये हमारी शहरियत का सबूत मांग रहे हैं, ये सबूत मांग रहे हैं कि तुम कितने हिंदुस्तानी हो हमें दिखाओ। तो इनसे कहो कोई ये जाके दिल्ली की आसमान को छूती हुई कुतुब मीनार की इमारत देख ले, वो इमारत किसने बनवाई थी? एक मुसलमान ने बनवाई थी।
इनसे कहिए ताजमहल में जाकर वो जगमगाता हुआ संगमरमर से बना हुआ ताजमहल देख लें, वो ताजमहल जो आज भी अमन चैन और मोहब्बत का पैगाम देता है, वो ताजमहल किसने बनवाया था? एक मुसलमान ने बनवाया था। उनसे कहिए 1857 को याद करें, जब आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें मेरठ से लेकर दिल्ली तक जितने भी पेड़ थे उनसे किसकी लाशें लटकी थी? मुसलमानों की लाशें लटकी थी। उनको जाके बता दीजिए ये हमारा इतिहास, ये हमारी विरासत है, ये हमारी शहरियत है, हमारी ये शहरियत है। आप समझे, ये हमारी शहरियत वो है, हमारा इतिहास वो है, हमारी विरासत वो है जो एकता सिखाती है, साथ में लड़ना सिखाती है, हमारी शहरियत टुकड़े टुकड़े करना नहीं सिखाती है। ये है हमारी शहरियत। आपकी औकात नहीं है कि आप उनसे हमारी शहरियत पूछें, आपकी औकात नहीं है हमारी शहरियत पूछें। हमारा ताल्लुक हजरत मोहानी साहब से है, वो जो कि आजाद हिंदुस्तान में जो पहला केस जो ब्रिटिशर्स ने करा था वो उन पर करा था, हम उनसे ताल्लुक रखते हैं, हम मौलाना अबुल कलाम आजाद से ताल्लुक रखते हैं। आप लोग जब ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर ये सोच रहे थे कि हम लोगों को और कैसे दबाया जाए, हम लोग आजाद हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे, जब आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे आजाद हिंदुस्तान की, तब हम लोग शहादत देना शुरू कर दिए थे। ये हमारी शहरियत है और हम आपको अपनी शहरियत नहीं दिखाएंगे। और अगर आपको हमारी शहरियत का सबूत चाहिए भी तो चलिए दे देंगे, लेकिन कैसे देंगे? दस्तावेज दिखाकर, कागज दिखाकर आपकी शहरियत को सबूत नहीं देंगे हम। हम अपनी शहरियत का सबूत सड़कों पर आकर देंगे, एहतजाज देकर कर देंगे, नारे लगा कर देंगे। ये होगा हमारी शहरियत का सबूत कि हम इतने हिंदुस्तानी हैं कि हम अपने हिंदुस्तान के लिए सड़कों पर बैठेंगे, रात रात भर बैठेंगे, और तब तक बैठेंगे जब तक CENRC NPR पीछे नहीं हो जाता। हम तब तक बैठेंगे जब तक आजाद हिंदुस्तान में मुसलमान को अव्वल दर्जे की शहरियत और अपने सारे हकूक और अपने सारे वजूद नहीं मिल जाते, हम तब तक लड़ेंगे। आप जब हम जुल्म तशद्दुद की बात करते हैं, बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, और 1992 की बात करते हैं, 1980 में मुरादाबाद में जो हुआ उसकी बात करते हैं, तो समझिए तब कांग्रेस सरकार जो है वो पावर में थी। जब 1992 हुआ, जब 1980 मुरादाबाद में हुआ, जब मुरादाबाद के ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ते हुए 3000 मुसलमानों पर स्टेट पुलिस ने ओपन फायरिंग कर दी, उसमें 300 मुसलमान शहीद हो गए, तब स्टेट सब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं करा। जब 1980 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तब कांग्रेस सरकार थी सेंटर में, कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं करा। बाबरी मस्जिद को टूटने में 4 घंटे लगे, उस 4 घंटे में आर्मी जो थी वो बाबरी मस्जिद के बाहर खड़ी थी, उस आर्मी ने बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं रोका। ये है इंडियन सरकार, ये है वो सरकार है जो कि बाबरी मस्जिद की शहादत होने देती है, ये वो सरकार है। कांग्रेस ने जितना बुरा हमारे साथ करा है शायद उतना बुरा अभी तक बीजेपी नहीं कर पाई है, बीजेपी ने तो अभी शुरू करा है, कांग्रेस पिछले 70 साल से हमें लड़ाई कर रही है। जब हम इस लड़ाई के बारे में बात करते हैं तो ये लड़ाई कब खत्म होगी, हमें अब जीत कब मिलेगी? हमें जीत तब मिलेगी जब हम ये इंश्योर कर लें, मुकम्मल कर लें, पक्का कर लें कि आने वाली कोई भी सरकार, चाहे वो किसी की भी हो, आने वाला कोई भी पार्टी जो है वो फिर से कोई ऐसा बिल दिल्ली संसद में ना ला पाए जो कि हमारे खिलाफ हो, जो कि हमारे मजहब के बेसिस पर, हमारे वजूद पर सवाल उठाता हो, हमारी शरीयत पर सवाल उठाता हो, तब हमारी जीत मुकम्मल होगी। तब तक हमें एहतजाज करना है। ये एहतजाज सिर्फ CENRC NPR को रिजेक्ट कर नहीं होगा, ये एहतजाज तब तक चलेगा जब तक हमें अपनी सियासी हिस्सेदारी नहीं मिल जाती, जब तक हमें हमारे वजूद और हमारे हुकूक मिलने शुरू नहीं हो जाते, हम तब तक लड़ेंगे। सिर्फ CENRC NPR के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए, इस आजाद हिंदुस्तान में मुसलमान कौम की वजूद के लिए लड़ेंगे। और ये जो मैं जुल्म तशद्दुद की बार बार बात कर रही हूँ, ये जुल्म तशद्दुद हमें विजिबल कब होता है, हमें दिखाई कब देने लगता है, ये हम तब देखते हैं जब हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। यूनिवर्सिटीज में देखते हैं मुसलमान नौजवान की नुमाइंदगी जो है वो इतनी कम क्यों है, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की नुमाइंदगी इतनी कम क्यों है। आप दिल्ली का संसद भवन देख लीजिए और अपने मोहल्ले का पुलिस चौकी देख लीजिए, उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी ना के बराबर क्यों है? क्यों है? क्योंकि इस इंडियन स्टेट ने, जितनी भी सेकुलर पार्टीज है हिंदुस्तान में, उन सारी पार्टीज ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने बार बार लगातार नीतियां बना बनाकर हमें दबाया गया, इस वजह से हमारी नुमाइंदगी कम है, इस वजह से हमारी हालत कम है। सच्चर कमेटी क्या थी? सच्चर कमेटी एक थप्पड़ थी हमारे मुंह पे कि देख लो आजाद, जब तुमने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी तब तुम्हारा क्या वकार था, और आज देखो तुम्हारा वकार क्या है, दलित से भी नीचे हो तुम। ये थी सच्चर कमेटी।
सच्चर कमेटी में कांग्रेस ने क्या कहा हमें दिखाकर कि देखो ये तुम्हारी औकात है इस वक्त हिंदुस्तान में और हम तुम्हारी और इससे भी बुरा तुम्हारा हालात करेंगे कि 60 साल में तुम इतना गिरा दिया है, देखो 10 साल में और कितना गिराएंगे। और वही हुआ। बाद में एक पेपर पब्लिश हुआ जो कि एक फॉरेन स्कॉलर ने कहा था, उस फॉरेन स्कॉलर ने कहा है कि दलित से भी बुरे हालात हो गए मुसलमानों के। ये है कांग्रेस, ये है वो कांग्रेस जिससे हम बार बार आस लगाते हैं, ये है वो पार्टियां जिनसे हम बार बार आस लगाते हैं, बार बार उन पर विश्वास करते हैं और वो बार बार हमारे साथ क्या करते हैं, बस हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमारा इस्तेमाल करके सरकारें बनाते हैं और सरकारें तोड़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते वो लोग। हमारे साथ बार बार वादे करते हैं और बार बार धोखा देते हैं, ये करते हैं। समझिए इस बात को, जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो लड़ाई इस बात के लिए भी लड़ रहे हैं कि हमें अपनी सियासी हिस्सेदारी चाहिए। अगर आज अगर हिंदुस्तान की सरकार में हमारी सियासी हिस्सेदारी होती, अगर हम हमारी अपनी नुमाइंदगी दिल्ली के संसद भवन में होती तो हम आज यहाँ नहीं बैठे हुए होते। इस वक्त हमें अपनी सियासी हिस्सेदारी के लिए भी लड़ना पड़ेगा, बल्कि उसके लिए और पुरजोर तरीके से लड़ना पड़ेगा। CNR CNPR की लड़ाई के बाद, बल्कि इस लड़ाई के साथ हमें अपनी सियासी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें अपने मसाइलों के बारे में खुद बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उन पर बार बार विश्वास करके देख चुके हैं, वो लोग कुछ नहीं करना चाहते हमारे लिए, वो लोग बस हमें दबाना चाहते हैं, बार बार दबाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। अगर हमें अपना वकार, हमें हमारी इज्जत वापस चाहिए तो हमें अपनी सियासी हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। और ये जो हमारी लड़ाई है ये आगे चल रही है और इंशाल्लाह तब तक चलेगी जब तक हमें जीत नहीं मिल जाती। तो इस लड़ाई में जब हम देखते हैं तो एक कहीं ना कहीं ये बात भी है कि अक्सरियत यानी मेजॉरिटी को ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तानी मुसलमान के साथ 70 साल में मुस्लिम तशद्दुद हुआ है, वो ये बात समझें। जब तक वो नहीं समझेंगे, जब तक वो इस बात को, और कितना जुल्म तशद्दुद हुआ, इतना जुल्म तशद्दुद हुआ है कि हम लोग नारे तकबीर कहने से डर रहे हैं, अल्लाह अकबर कहने से डर रहे हैं। हमसे बोला जा रहा है कि आप क्रिमिनल मत होइए, आप सेक्युलर मत होइए, और कई जगहों पर इस वजह से ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर के नारे लगने बंद हो गए हैं। मेरा हिंदुस्तान और मेरा संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं नकाब लगा के, मैं हिजाब लगा के, मेरा मुस्लिम भाई दाढ़ी और टोपी के साथ और नमाज पढ़ के और रोजा रख कर एहतजाज करेगा। ये है मेरा हिंदुस्तान। आपका फर्जी राष्ट्रवाद, आपका भगवा राष्ट्रवाद मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे संविधान वाला हिंदुस्तान चाहिए, मुझे आपका भगवा हिंदुस्तान नहीं चाहिए। आगे आप देखिए क्या लेकर आएंगे आप, या आगे आपके सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आने वाले हैं। एक ऐसा हिंदुस्तान जहाँ पे 5000 तरीके के लोग रहते हैं, 3000 तरीके की भाषाएं बोलते हैं, और अगर मैं यहाँ से 5 किलोमीटर उज्जैन की तरफ चल जाऊं तो वेशभूषा पूरी तरीके से बदल जाएगी, बोलने का अंदाज बदल जाएगा, रहने खाने का अंदाज बदल जाएगा। ये ऐसे हिंदुस्तान में, अनेकता वाले हिंदुस्तान में, जिसमें अनेकता में एकता होती है, इस हिंदुस्तान में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ला देंगे, कहेंगे कि नहीं आप निकाह नहीं कर सकते, आप कोर्ट मैरिज ही करिए, आप तलाक नहीं ले सकते, आप डिवोर्स ही लीजिए, नहीं आप नकाब नहीं पहन सकते, आप बस ये वेशभूषा पहन सकते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं, और मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने की औकात से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को जीरे से नकारती हूँ। मैं नकारती हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहता है, सिर्फ मुसलमान नहीं रहता है, बल्कि और भी बहुत सारी जातियां रहती हैं, और भी बहुत सारे समुदाय रहते हैं, उन सब के हक के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ ये लोग जो है, आप समझिए इस बात को कि ये सरकार इंडियन स्टेट इस वक्त हम लोगों से बहुत डरी हुई है। इस वजह से डरी हुई है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो जाएगा, ये हमारे गुस्से को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इस वजह से डर रहे हैं क्योंकि इस एहतजाज में एक मुस्लिम कयादत शुरू हो गई है। अब मुसलमान को कांग्रेस नहीं चाहिए, अब मुसलमान को कोई पार्टी नहीं चाहिए, अब मुसलमान के लिए उसके शहर का काजी काफी है, अब एक मुसलमान के लिए आयशा रहना, नबी का फरमाना, शफी रहमानी और शफी इमाम काफी है, आखिरी इंसाफिया पर हिंदू लहर काफी है, उसको नहीं चाहिए, उसको कांग्रेस, यादव, समाजवादी कुछ नहीं चाहिए उसे, उसके लिए अपने कौम के लीडर्स काफी हैं। वो इस बात से डर रहे हैं कि अगर अपनी कौम अपनी नुमाइंदगी खुद करने लगेगी तो मसाइल पे बात करने लगेंगे, उनके वो हमें आधा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो इस बात से डर रहे हैं। और क्योंकि वो इस बात से डर रहे हैं, इस वजह से वो आपको डरा रहे हैं, वो डर रहे हैं कि अब एक मुसलमान औरत जो है वो सड़क पर आकर बेझिझक उनके मुंह पे बात कर रही है। वो डर रहे हैं क्योंकि हमारा ताल्लुक बीबी खदीजा, बीबी फातिमा, बीबी खनसा और जो मुस्लिम कौम में जो पहली औरत जो शहूदा थी सुमैया, उनसे ताल्लुक रखते हैं हम, वो इस बात से डर रहे हैं कि मुसलमान औरत अगर एक निकाब लगा के बात बोलती है तो उनका वो नरेटिव कि मुसलमान औरत को मुस्लिम कौम में दबाया जाता रहा है, कि हमारे नकाब जो है
वो इस बात का सिंबल है कि हम लोगों को दबाया जा रहा है, हमें हमारे घर में बंद कर दिया जाता है, हमें बोलने की आजादी नहीं है, हमें घर से निकलने की आजादी नहीं है। उनका वो नरेटिव जो है वो इस बात को अटैक करता है, वो इस बात से डर रहे हैं, वो इस बात से डर रहे हैं कि वो फिर से ट्रिपल तलाक जैसा बिल ला के शरिया लॉ में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, वो इस बात से डर रहे हैं। वो इस बात से डर रहे हैं कि जब मुस्लिम कौम अनलहक की बात करती है तो वो अनलहक, उस अनलहक में पूरे हिंदुस्तान में जितने शहरी हैं उन सबको इक्वल बराबरी के वजूद, बराबरी के हकों की बात करती है, वो इस बात से डर रहे हैं क्योंकि वो कभी किसी को भी बराबर का हक नहीं देना चाहते, वो इस बात से डर रहे हैं। और क्योंकि वो डर रहे हैं तो वो आपको डराएंगे, वो आपको बार बार डराएंगे, वो लाठीचार्ज करेंगे, वो 144 लगाएंगे, वो आप पे केस करेंगे, वो आपको पब्लिक रिकवरी नोटिसेस भेजेंगे लाखों में, हो सकता है आपके भाइयों बहनों बच्चों बेटे बेटियों को उठाकर जेल में डाल दिया जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे उन्होंने आजमगढ़ में तहज्जुद के वक्त फजर से पहले रात के अंधेरे में औरतों पर लाठी चार्ज करी, औरतों पर गोलियां चलाई, वो कर सकते हैं क्योंकि वो डर रही है। उस वक्त आजमगढ़ में बैठे हुए वो जो औरतें बैठी थी उनको 6 घंटा भी नहीं हुआ था जब उन्होंने लाठी चार्ज कर दी थी और गोली चला दी थी। और अभी भी एक और एक मेरी आजमगढ़ की बहन अभी भी आईसीयू में है, वो इतना डर रहे हैं कि वो इस हद तक गिर गए हैं कि वो घंटा घर में बैठी औरतों से शदीद ठंड में कंबल छीन रहे हैं। वो इतना डर रहे हैं कि वो शाहीन बाग में रोजाना गोली चलवा रहे हैं, जामिया में रोजाना गोली चलवा रहे हैं और बार बार यूनिवर्सिटीज में घुसकर यूनिवर्सिटीज में अटैक कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से घुस के उन्होंने मारा है, मेरी आंखों के सामने मेरे एक भाई का हाथ फट गया, मेरी आंखों के सामने मेरे एक भाई के यहाँ पे पत्थर लगा था, ऐसे खून बहा, मेरी आंखों के सामने मेरे भाइयों को अलीगढ़ अपनी यूनिवर्सिटी छोड़कर जानी पड़ी। मैं इस डर से, इस खौफ से कि वो आर्मी मेरे साथ क्या करेगी, मैं अपने कैंपस अगले 2 हफ्ते तक नहीं गई। इतना बुरा कर रहे हैं वो हमारे साथ, वो इतना डर रहे हैं कि बस वो चाहते हैं कि हम कहीं किसी तरीके से डर जाएं, किसी तरीके से चुप हो जाएं। लेकिन इस वक्त हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम इस बार डर गए, अगर इस बार हमने सड़कें खाली कर दी, अगर इस बार हमने एहतजाज खत्म कर दिया और सवाल पूछना खत्म कर दिया, अपना हक मांगना खत्म कर दिया, अनर्थक का नारा छोड़कर घर में डर कर बैठ गए, तो हम आने वाली नस्लों से नजरें नहीं मिला पाएंगे क्योंकि आने वाली नस्लों का और हक छीना जाएगा। जितना हक, जो बचा कुचा हक इस आजाद हिंदुस्तान में मुस्लिम कौम के पास है, जो हमारे पास एक ही हक है जो कि बराबर है, वो एक वोट का, कि एक वोट हम ले सकते हैं, वो ये वोट है जो एक हिंदू मुसलमान, जो एक हिंदू सिख और क्रिश्चियन ले सकता है। बस ये एक हक है जो हम सब, जो मुस्लिम कौम को बराबरी का मिला है, वो ये हक भी हमसे छीन लेंगे। आप समझिए इस बात को कि अगर इस बार डर कर एहतजाज छोड़कर हम बैठ गए तो फिर नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, मुस्लिम कौम नहीं बचेगी इस आजाद हिंदुस्तान में, हम लोग बोल नहीं पाएंगे। आपके बच्चों के साथ क्या होगा उसके बाद, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि असम में डिटेंशन सेंटर में क्या क्या हो रहा है। किसी फैमिली का बेटा उठा लिया, किसी फैमिली की बेटी उठा ली, पूरी फैमिली को अंदर नहीं डालते, एक एक इंसान को उठाकर अंदर डाल देते हैं वो लोग, और हमें नहीं पता होगा कि उनके साथ डिटेंशन सेंटर में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता हो रहा होगा कि हमारी बहन के साथ डिटेंशन सेंटर में क्या हो रहा है, हमारे भाई के साथ डिटेंशन सेंटर में क्या हो रहा है। आप समझिए, ये वही इंडियन स्टेट है जो कि दंगों के बाद नौजवान मुसलमानों को उनके घरों से निकालकर जेल में डाल देती है, सालों बाद छोड़ती है, और जब वो छोड़कर बाहर निकलकर आते हैं तब उनके नाखून उखड़े हुए होते हैं, उनकी पीठ जो है वो मुड़ी हुई होती है, उनकी जुबान इतनी लड़खड़ाती है कि वो बोल नहीं पाते हैं। ये वो स्टेट है, ये वो पुलिस है, ये वो आर्मी है, ये डिटेंशन सेंटर में इससे भी बुरा करेंगे, बहुत बुरा करेंगे। तो हमारे पास इस वक्त ऑप्शन ही नहीं, हम लड़ाई छोड़ ही नहीं सकते, ये लड़ाई हमें पूरी लड़नी पड़ेगी, तब तक लड़नी पड़ेगी जब तक सीए वापस नहीं चला जाता, जब तक सीए छोड़िए, तब तक लड़नी पड़ेगी जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, हमारा वजूद नहीं मिल जाता, सियासी हिस्सेदारी नहीं मिल जाती, क्योंकि जब तक सियासी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक 70 सालों से जो हमारे साथ हिंदुस्तान में होता आ रहा है वही आगे होगा। फिर से पार्टियां यूज करेंगी, आपको बार बार वादे करेंगी, धोखे देंगी और दबाएंगी और दंगे करवाएंगी, मुसलमान कौम जितनी बची है उसको रौंद दिया जाएगा और जज्बे को खत्म कर दिया जाएगा। तो इस बार अगर वो डराएं तो डरेंगे नहीं, और तब तक लड़ेंगे तब तक नारे लगाएंगे, तब तक एहतजाज करेंगे, तब तक सड़कों पर बैठे रहेंगे जब तक हमें हमारी सियासी हिस्सेदारी नहीं मिल जाती, जब तक ये समझ नहीं जाती हिस्सेदारी इंशाल्लाह इंकलाब।